कौर देसी तड़का की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन, वो भी घर पर और बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वो भी झटपट से। तो आइए बटर चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया था। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके वॉश करके ड्राई कर लिया है। साथ ही यहाँ पर लिया है हंकर्ड ग्रेटेड गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर। मसालों में यहाँ लिया है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा धनिया, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, और यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए अब हम इसमें जो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें जो हमने ये सारे मसाले लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारे मसाले और दही अच्छे से चिकन में मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कश्मीरी रेड चिली यूज करी थी उसका कलर कितना अच्छा आया है। इसके अलावा हमें कोई भी इसमें फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब साथ ही यहाँ पर जो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था वो भी ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, जिससे इस चिकन का टेस्ट और अच्छा आएगा। अभी हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट करेंगे। अब इस चिकन में अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो आइए अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। अब मुझे 1 घंटा हो गया है इस चिकन को फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखे हुए। आइए अब हम इसका क्लिंग रैप हटाते हैं और देखते हैं। देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा है। बटर चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले इस चिकन को शेलो फ्राई करेंगे और इस चिकन के टिक्के रेडी कर लेंगे। तो आइए इसको शेलो फ्राई करते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन को शेलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन पीसेस ऐड करेंगे और इसको दोनों साइड से शेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप इस प्रोसेस को एयर फ्रायर में, अवन में, किसी में भी कर सकते हैं। अब मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड से शेलो फ्राई करते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये चिकन दोनों साइड से अच्छे से शेलो फ्राई हो गया है। अब हम इस चिकन को प्लेट पे निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी चिकन को भी शेलो फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब आप देख सकते हैं चिकन शेलो फ्राई हो गया है। तो आइए अब बटर चिकन की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा प्याज और साथ ही यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े टमाटर जिनको रफली चॉप कर लिया था। क्रीम, फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। 10 से 12 काजू। आज हमारी मेन रेसिपी है बटर चिकन, तो बटर इज द मेन इंग्रेडिएंट, तो बटर लिया है यहाँ पर। जिंजर गार्लिक जिसको चॉप कर लिया है। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 2 तेज पत्ते, 1 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी। सूखे मसालों में यहाँ लिया है नमक, लाल मिर्च जो कि है कश्मीरी रेड चिली, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी। बटर के साथ घी ऐड करने से बटर जलता नहीं है और अच्छे से कुक हो जाता है। अब आप देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब ये खड़े मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने अनियन लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून रहे हैं और इनका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने जिंजर गार्लिक चॉप लिया था वो ऐड करेंगे और इनको भी इसके साथ भूनेंगे। अब ये जिंजर गार्लिक भी अनियंस के साथ अच्छे से भुन गया है। इसमें जो हमने टमाटर चॉप किए थे वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन रहा है और इसमें बबल्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। बट अभी हमें इसको 5 से 7 मिनट और भूनना है। उससे पहले हम इसमें जो हमने यहाँ पे काजू ले लिए थे वो ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले को इन काजुओं के साथ 5 से 7 मिनट और भूनेंगे। अब मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस मसाले को अच्छे से भूनते हुए और ये मसाला अब अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी अच्छे से मैशी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर गैस फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड करके इसकी एक फाइन स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। जब हम इस
मसाले को ग्राइंड करेंगे तो हम इसमें से खड़े मसाले निकाल देंगे और एक अच्छा फाइन स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मसाले को ठंडा करके एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब साथ ही मैंने यहाँ पर पैन दोबारा रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने कश्मीरी रेड चिली ली थी वो ऐड करेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा, और इसको हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा ही सॉटे करना है। साथ ही अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी ली थी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब मैंने इस जार में 1/3 कप पानी ऐड करके इस जार को अच्छे से शेक कर लिया था और अब यही पानी हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई मसाले लिए थे वो ऐड करेंगे, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक यहाँ पर मैंने कम ऐड करा है क्योंकि नमक हमने जब हमने चिकन मैरिनेट करा है उसमें भी ऐड करा है, तो इसलिए आप यहाँ पर कम नमक ऐड करें। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप बाद में टेस्ट करके और नमक ऐड कर सकते हैं। बटर चिकन बनाने का पूरा प्रोसेस आपको मीडियम और मीडियम हाई फ्लेम पर ही करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेज पर जो हमने यहाँ पर चिकन टिक्का रेडी करे थे वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन पीसेस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला और साथ ही यहाँ पर कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके वो इसमें ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे ताकि चिकन ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको गैस पे रखे हुए। अब हम इसका लिड हटाते हैं और देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो कि मेरे घर में हर तरफ फैल गई है। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट जैसा, और इजीली आप हमने घर पे इसको बनाया है। ऐसे ही बटर चिकन आप इजीली घर पे बना के अपने गेस्ट को, बच्चों को, किसी को भी टेस्ट कराइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम फाइनल स्टेज पे थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये बटर चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं बटर चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है और आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। और अगर आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो गेस नहीं कर पाएंगे कि ये बाजार से लिया है या अपने घर पे बनाया है। और आप इसको नान, गार्लिक नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर वॉचिंग लेटेस्ट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।